एक दिन की बात है, राजकुमार इंद्र अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकले थे। उन्हें एक सुंदर हिरन दिखा। राजकुमार ने उस हिरन का पीछा किया, पर थोड़ी देर में ही हिरन जंगल में गायब हो गया। निराश होकर राजकुमार इंद्र लौट रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। राजकुमार आवाजों की तरफ बढ़े और हाँ हाँ प्रिंसेस लबांग, आश्चर्य, भला ये पंछी बात कैसे कर सकते हैं? मैं अभी राजकुमारी लबांग के राज्य से लौटा हूँ। क्या तुमने राजकुमारी लबांग को देखा? सुना है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी है। हाँ, मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। सच? रुको रुको, मुझे बताओ ये राजकुमारी लबांग कहाँ रहती है? अब तक सभी पक्षी उड़ गए और राजकुमार इंद्र निराश हो गए। राजकुमार इंद्र अपने राजमहल लौट आए। माँ, ये राजकुमारी लबांग कौन है और उनका राज्य कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद राजकुमारी लबांग हो ही ना। पर मैंने खुद उनके बारे में सुना है बोलने वाले पक्षियों से। क्या मैंने बोलने वाले पक्षी सुना? हाँ पिताजी, मैंने खुद सुना है और वो पक्षी राजकुमारी लबांग की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। राजकुमारी लबांग जैसी कोई राजकुमारी नहीं है इंद्र। मैं फिर भी खुद पता लगाना चाहता हूँ पिताजी, मुझे उन्हें ढूंढने जाना है। राजा धैर्य सिंह और रानी रूपवती ना चाहते हुए भी अपने लाडले राजकुमार इंद्र को जाने की अनुमति दे देते हैं और अब राजकुमार इंद्र अकेले निकल पड़ते हैं अपने सफर पर, राजकुमारी लबांग की खोज में। पूरा दिन चल चल के राजकुमार इंद्र थक गए और उन्होंने एक नदी के तट पर विश्राम करने की सोची। उन्होंने नदी का पानी पिया और फिर अपने भोजन की गठरी खोली। अरे ये क्या, सारी मिठाइयों को चींटियां लगी हैं। राजकुमार इंद्र मिठाइयों को जमीन पर रख देते हैं और निकलने वाले होते ही हैं, तभी चींटियों का राजा उन्हें आवाज देता है। राजकुमार, धन्यवाद राजकुमार, तुम बहुत दयालु हो। अगर तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़ी तो हमें जरूर याद करना। राजकुमार इंद्र आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें कराहने की आवाज सुनाई दी। ओ, 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 वहां एक शेर दर्द के मारे कराह रहा था। ओ, 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 राजकुमार इंद्र ने उस शेर के पैर में घुसा हुआ कांटा देखा। मैं तुम्हारा ये कांटा निकाल सकता हूँ, पर अगर कांटा निकालने पर तुमने मुझे खाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, ये वचन देता हूँ। पर ये कांटा निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शेर का वादा सुन राजकुमार इंद्र उसकी मदद करते हैं। पर जब वो कांटा खींचते हैं तब शेर जोर से दहाड़ता है और शेरनी भागी भागी आती है। शेरनी राजकुमार इंद्र पर हमला करने ही वाली होती है। इसने मेरी मदद की है, ये दुश्मन नहीं है। इसने तो मेरे पैर में चुभा हुआ कांटा निकाला। शेरनी शांत हुई और धन्यवाद, तुम बहुत बहादुर हो। अगर हम तुम्हारी कभी मदद कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। राजकुमार इंद्र ने अपना सफर जारी रखा। वो दिन रात चलते रहे। जंगल में उनकी नजर एक कुटिया पर पड़ी।
वहाँ राजकुमार को एक फकीर दिखाई दिया जो बीमार था। पानी, पानी। ये लीजिए बाबा, पानी पीजिए। शुक्रिया बेटा, मेरा कोई वारिस नहीं है, अब मेरी तीनों जादुई चीजें तुम्हारी हुई। जादुई कालीन ये तुम्हें जहां चाहे वहां ले जाएगा, जादुई झोला इसमें से तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा, जैसे धन दौलत। और ये आखिरी जादुई तलवार, इसे जरा संभल के इस्तेमाल करना, क्योंकि इसके वार से कोई नहीं बच सकता। तीनों जादुई चीजें पाकर राजकुमार बहुत खुश हुए। जादुई कालीन, मुझे राजकुमारी लबाम के राज्य ले चलो। अब राजकुमार इंद्र राजकुमारी लबाम के राज्य में थे। उन्होंने यहाँ वहाँ पूछताछ की और शाम होने की राह तकने लगे। शाम हुई और राजकुमारी बालकनी में आई। राजकुमारी लबाम बहुत खूबसूरत थी। राजकुमारी लबाम बहुत सुंदर है, इन्हें नजदीक से देखना चाहिए। राजकुमार इंद्र उनकी खूबसूरती से मोहित हो गए। आधी रात का वक्त था और राजकुमार अपने जादुई कालीन पर बैठे। जादुई कालीन, मुझे राजकुमारी लबाम के कमरे में ले चलो। राजकुमारी अपने कमरे में सो रही थी। ये तो और भी खूबसूरत लग रही है। जादुई झोले, मुझे दुनिया की सबसे सुंदर अंगूठी चाहिए। अंगूठी पहनाने के लिए जैसे ही राजकुमार इंद्र ने राजकुमारी लबाम का हाथ छुआ, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राजकुमार इंद्र हूँ, राजा धैर्य सिंह का पुत्र। मैंने आपकी खूबसूरती की बातें सुनी थी और वो सब सच है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप शादी के विषय में पिताजी से बात कीजिए। राजकुमारी वहाँ से शर्मा कर चली जाती है। प्रणाम, मैं राजकुमार इंद्र हूँ, राजा धैर्य सिंह का पुत्र। मैं आपकी पुत्री राजकुमारी लबाम से शादी करना चाहता हूँ। मेरी पुत्री से शादी करने के लिए मेरी तीन शर्तें पूरी करनी होंगी, क्या तुम्हें ये मंजूर है? हाँ राजा जी, मंजूर है। मेरी पहली शर्त है, तुम्हें 10 बोरी सरसों के दानों का एक दिन में तेल निकालना है। राजकुमार इंद्र ने हाँ तो बोल दिया, पर अब सेवक उन्हें तेल निकालने की चक्की के पास ले गए। और अब राजकुमार इंद्र सोचने लगे कि इतने सारे सरसों के दानों से तेल कैसे निकालें? तभी उन्हें चींटियों की याद आई। चींटियों के राजा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बोलिए राजकुमार, हम आपकी क्या मदद करें? मुझे इन सारे सरसों के दानों का तेल निकालना है। ये काम हम कर देंगे, आप आराम कीजिए। मेहनती चींटियां बड़ी फुर्ती से सरसों का तेल निकालने लगी और कुछ ही घंटों में सारे सरसों के दानों का तेल निकल गया। राजकुमार इंद्र खुश थे कि पहली शर्त पूरी हुई। हमारे राज्य के अंत में एक गुफा है, वहाँ 2 दानव हैं। तुम्हें उन दोनों दानवों को मारना है, ये मेरी दूसरी शर्त है। राजकुमार इंद्र गुफा के बाहर पहुँचे और उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई दी।
तभी उन्हें शेर और शेरनी की याद आई। शेर और शेरनी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो दोस्त। मुझे इन दोनों दानवों का अंत करना है। ये हम पे छोड़ दो, आज हम भर पेट खाएंगे। शेर और शेरनी दानवों को मार देते हैं और दूसरी शर्त पूरी हो गई। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त, ये जो पेड़ है इसे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2 बार में काटना है। अब राजकुमार को फकीर की बात याद आई और राजकुमार ने जादुई तलवार निकाली। सिर्फ 1 बार में पेड़ के 2 टुकड़े हो गए। बहुत खूब, तुमने राजकुमारी लबाम को जीत लिया। राजकुमार इंद्र और राजकुमारी लबाम की शादी बहुत धूमधाम से हुई और अब राजकुमार इंद्र ने राजकुमारी लबाम के साथ साथ उस राज्य को भी जीता। वो राजा बन गए और राजा इंद्र ने हमेशा अपनी प्रजा को खुश रखा। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।